To put an end to the scourge of manual scavenging, the water department in Prayagraj has deployed 3 robotic machines for cleaning manholes. शासन की तरफ से ये निर्देश सभी को मिले हैं कि ये मैन होल को मशीन होल में बदलना है और सारा ज़्यादा से ज़्यादा मैकेनाइज्ड मशीनों से काम करना है, तो उसी की मंशा को पूरा करने के लिए जलकल विभाग नगर निगम प्रयागराज ने स्मार्ट सिटी के तरफ से फंडिंग लेते हुए 3 बैंडिक्विट मंगाए हैं। ये जो मैन होल क्लीनिंग रोबोट इनको बोलते हैं, तो ये वैसे ही वर्क करते हैं जैसे आदमी उसमें जाके वर्क करता था। The robot works in the same way that humans do. The manhole is opened and then its arms descend in the gutter to clean the manhole. ये जो मशीन आया है इसमें पूरा और रोबोटिक सिस्टम है, उसमें बकेट वगैरह आता है, बकेट आता है, एक रोबोटिक आर्म आता है और 4 रोबोट का लेग सकता है जो चैम्बर के अंदर जाके जो कचरा रहेगा वो बकेट से यूज़ करके जो भी कचरा रहेगा बाहर हम लोग इजीली निकाल सकते हैं। इसलिए काम इसी हो गया है, जो मैन्युअली कर रहा था उससे भी ज़्यादा प्रोडक्टिविटी हम लोग को मिलता है। The robot is controlled with the help of a remote unit and its activity can be monitored with the help of cameras. If the machine detects poisonous gases, it sends an alert. अगर कोई मलिए एग्जॉस्टिक गैस भी अगर आ रही है तो वो क्या है कि जो मशीन है वो सेंस कर लेगी और अलर्ट कर देगी कि पूरी टीम यहाँ से हट जाइए, यहाँ पे जहरीली गैस आ रही है। तो किसी भी प्रकार का किसी भी पशु पक्षी या किसी भी जनरल जो ह्यूमंस है उनको किसी प्रकार का कोई भी नुकसान नहीं होगा। In reply to a question in the Lok Sabha in August last year, the government said that 330 people died while cleaning sewers and septic tanks between 2017 and 2021 in India. 47 such fatalities were reported from Uttar Pradesh. If this robot cleaner is successful in initial trials and if it is widely deployed, then it could help prevent such deaths in the future.